उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के वल्दीराय में मारपीट में गंभीर रूप से घायल भट्टा मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दूं, पुलिस ने कल ही मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर संपत्ति लाल, विजय बहादुर, कर्मराज और बजरंगी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हमारे संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा के साथ देखें ये रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है, क्या विवाद हुआ है, क्या है समस्या आपकी? बस हमारे को कोई समस्या नहीं, हमारी उनकी कोई विवाद नहीं था। एक हफ्ता पहले बस छप्पर की बात हुई थी, पुलिस आई थी, हमारा उनका छप्पर रखवा दिया। सुना होगी किससे? हरिशंकर से। अब हमारा कोई विवाद? हरिशंकर कौन है? हमारे बगल पड़ोसी पटीदार है। अब कोई बात नहीं है, हमारा उनका कुछ नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, छप्पर रख उठा था हमारा। कल हमको कुछ पता नहीं थी, हमारे सब बाहर कोई बुआ को छोड़ने गया था और हमारे ससुर खेत में रस्सी खोलने गए थे, हम सब घर पे थे, हमारे इस बारे में कुछ पता नहीं है। और पता नहीं किसने उनको, कई लोगों से विवाद था, और पता नहीं किसने क्या किया उनको, बुला के बाहर से कैसे मारा गए, हमारे हमारा नाम ले रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। हमारे अच्छी तरह से जानकारी कर लीजिए, मोबाइल भी चेक कर लीजिए कि हमारे सब लोग कहाँ पे थे, कौन कहाँ था, तब हमारे ऊपर आरोप लगाइए। हम कोई हमारा इसमें दोष नहीं है, हम पूरा निर्दोष है, हम अच्छे से हमारी जानकारी कर लीजिए। कैसा छप्पर का विवाद बता रही हैं आप, क्या था? पहले छप्पर की बात एक हफ्ता पहले थी, वो रख उठा, पुलिस गई थी, रखवा दी थी, हमारा उनका कोई विवाद खत्म, एक हफ्ता पहले से कोई बातचीत नहीं हुई। छप्पर की बात पुलिस की जानकारी में थी? हाँ, पुलिस की जानकारी में है। कौन गया था, थाना अध्यक्ष या पुलिस चौकी गई? चौकी गई थी, थाना से भी गई थी। कौन कौन फंसाया जा रहा है इसमें? फंसा जा रहे विजय बहादुर, संपत लाल, कर्मराज, बजरंग, इसमें चार लोगों का नाम फंसा है। तो ये लोग घर पे ही रहते हैं? बजरंग अपने घर पे थे, चंदौर में उनका घर है, और कर्मराज है वो भी अपने घर पे था, वो भी शहर से इस समय आया हुआ है, फंसाया जा रहा है। हमारे हस्बैंड शहर से आए हैं, कल का उनका टिकट था, जा रहे थे, वो बुआ को छोड़ने गए थे ब्राह्मणपुर दाना भुजाने, चार पाई टूटी थी, गए थे बनवा के लाए थे, वो अपना काम कर रहे थे कि हमको जाना है, हम घर पे का जो है कर दें, वो इधर उधर अपने बाहर थे, इस बारे में हमको पता नहीं था। तो आप क्या चाहते, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी अच्छे से सब चीज छानबीन कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए, अगर हम निर्दोष हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, अगर हाँ इसमें पता कर लीजिए कौन मारा है, वो पकड़ देने, हम निर्दोष हैं, हम किस लिए भाई फंसाए जा रहे, हमको झूठ मूठ को हमने सर के बयान दिया है।